पी क्यू आर पार्टनर है इन द रेशियो 12:8:5। आर को इस बात की गारंटी दी गई कि उसका प्रॉफिट जो है वो ₹30,000 से कम किसी भी ईयर में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में ये क्लियरली स्पेसिफाई बिल्कुल नहीं कर रखा है कि गारंटी कौन दे रहा है, तो आप ये मान लीजिए, ये मानना ही चाहिए कि गारंटी फर्म के द्वारा दी गई है, ना कि किसी और पार्टनर के द्वारा। तो इट्स नॉट अ पर्सनल गारंटी बाय पार्टनर और पार्टनर्स, इट इज़ अ गारंटी बाय फर्म। ठीक है बच्चों, और आपको उसके बाद आपको 3 साल के जो हैं प्रॉफिट्स दे आर लॉस दे रखे हैं आपको। 2020-21 में तो आपको प्रॉफिट हुआ है 1,20,000 का, ₹1,20,000 का। जो सेकेंड ईयर है 2021-22, उस साल आपको प्रॉफिट हुआ है 1,80,000 का। और जो थर्ड ईयर है उस साल आपको लॉस हुआ है 1,20,000 का। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है फॉर ऑल द 3 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को एंट्रीज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओरली समझा दूं। केस वन में जब प्रॉफिट 1,20,000 हुआ है, तो सबसे पहले आर का प्रॉफिट निकाल के देखिए कितना आ रहा है। आर का हिस्सा है 5/25, बिकॉज उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 12:5। तो आर का हिस्सा हो गया 5/25, जिसे हम कह सकते हैं 1/5। 1,20,000 का जब 1/5 निकालेंगे तो वो आएगा केवल 24,000, और गारंटी दी गई है उसको 30,000 की। तो अंडरस्टूड है कि वो 30,000 लेगा आर। ठीक है, फर्म सीधा 30,000 से दे देगी, और जो प्रॉफिट बचेगा 90,000, उस 90,000 को वो पी और क्यू में 12:8 के रेशियो में बांट देगी। यानी 12/20 90,000 का जो भी होगा वो मिलेगा पी को, और 8/20 जितना भी होगा 90,000 का वो मिलेगा क्यू को, और आर को मिलेगा 30,000, क्योंकि उसका एक्चुअल प्रॉफिट गारंटेड प्रॉफिट से कम निकल के आ रहा था। तो ही विल टेक द गारंटेड अमाउंट, और रिमेनिंग अमाउंट पी और क्यू में बांट दिया जाएगा उनके आपस के रेशियो में, जो कि 12:8 है। अगर हम बात करें सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में फर्म का प्रॉफिट है ₹1,80,000। पहले आर का प्रॉफिट निकाल के देखिए, जो कि 5/25 यानी कि 1/5 ऑफ ₹1,80,000, जो कि निकल कर आएगा 36,000। अब उसके मिनिमम प्रॉफिट 30,000 से ज़्यादा ही प्रॉफिट उसका आ रहा है 36,000। तो इसका मतलब सेकेंड ईयर में तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, गारंटी का कोई इशू ही नहीं होगा। जो भी प्रॉफिट जिसका निकल कर आएगा उसको बांट दिया जाएगा, यानी कि प्रॉफिट को 12:5 के रेशियो में सब में बांट दीजिएगा, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में गारंटी का इशू है ही नहीं। आर का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो गारंटेड प्रॉफिट से ज़्यादा ही आ रहा है, तो ऐसे में वो एक्चुअल प्रॉफिट को लेगा, ना कि गारंटेड वाले को। ठीक है बच्चों, अगर एक्चुअल प्रॉफिट गारंटेड प्रॉफिट से के बराबर या ज़्यादा आता है तो वो एक्चुअल प्रॉफिट को लेगा, अगर एक्चुअल प्रॉफिट गारंटेड प्रॉफिट से कम आता है तो वो कम वाले तो उस केस में वो गारंटेड वाले को लेगा, ना कि कम वाले को, जैसा कि प्रीवियस ईयर में हुआ था। तो सेकेंड ईयर तो बिल्कुल नॉर्मल है, प्रॉफिट 180 सब में नॉर्मल बढ़ जाएगा 12:8:5 के रेशियो में। अब थर्ड ईयर जो है उस केस में फर्म को लॉस हुआ है 1,20,000 का, और आर को जो है गारंटी दी गई है प्रॉफिट की 30,000 की। तो हम फर्म तब भी इन्हें प्रॉफिट देगी आर को 30,000, क्योंकि आर को इस लॉस से कोई मतलब नहीं है। फर्म ने उसे ₹30,000 प्रॉफिट की गारंटी दी है, तो फर्म से 30,000 का प्रॉफिट देगी ही देगी। बट एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फर्म का जो लॉस है वो बढ़कर 1,50,000 हो जाएगा। 30,000 जो आर को दिया वो, और 1,20,000 जो पहले से ही फर्म का लॉस था वो, और ये 1,50,000 का लॉस पी और क्यू में ही बांट दिया जाएगा उनके आपस के रेशियो में, जो कि 12:8 है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन समझा तो दिया। अब आइए इससे जुड़ी हुई एंट्रीज बना भी लेते हैं, ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए जो मैंने भी आपको ओरली समझाया। बात करें बच्चों पहले साल की, तो पहले साल जो प्रॉफिट हुआ है आपका वो हुआ है 1,20,000, और प्रॉफिट की जर्नल एंट्री हुआ करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,20,000 1,20,000। अब इस प्रॉफिट को जब बांटने की बात करेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने आर का जो प्रॉफिट है वो पहले ही निकाल के देख लिया था, वो 24,000 आया था एक्चुअल प्रॉफिट 5/125 करके। तो आर का गारंटेड प्रॉफिट तो 30,000 है। ठीक है बच्चों, तो आप आर को 30,000 बांटिएगा, और बचा हुआ प्रॉफिट 90,000 जो बचेगा 120-30, वो पी और क्यू के आपस के रेशियो में, जो कि 12:8 था, ठीक है बच्चों, इस रेशियो में बांट दीजिएगा, यानी 3:2 के रेशियो में। तो ऐसे लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट,
आप लोग पूरा लिखा करिएगा बच्चों, ऐसे एब्रीविएशंस मत लिखिएगा। टू क्यूज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। आर का 30,000 लिखिए, यहाँ पे 1,20,000 लिखिए, आर का यहाँ 30 लिखिए, 120 में 30 90, इस 90 को 12:8 के रेशियो में या 3:2 के रेशियो में बांट दीजिए, तो 54,000 आ जाएगा पी का और 36,000 आ जाएगा क्यू का। क्लियर बच्चों? इस बात को आप वर्ड्स में लिख के भी अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन द वर्किंग नोट, जो मैंने कैलकुलेशन आपको ओरली बताई है, इसे आप वर्बली भी जो है मतलब रिटर्न में भी करके दिखा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ईयर, या दिस इज दीज आर द जर्नल एंट्रीज ऑफ फर्स्ट ईयर। अब बात करते हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ द सेकेंड ईयर। तो बच्चों सेकेंड ईयर में फर्म का प्रॉफिट हुआ था 1,80,000 का, तो यहाँ तो 1,80,000 ही लिखिए। और हमने पहले ही चेक कर लिया था यहाँ पर जो आर का प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट वो 36,000 आ रहा है ना कि 30,000, जो कि गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा ही है। तो सीधी सी बात है, ऐसे में फर्म का पार्टनर्स का जितना प्रॉफिट एक्चुअल निकल के आ रहा है वही सबको दे दिया जाएगा, किसी से कुछ लेने देने की या किसी को कम देने की या ज़्यादा देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस 1,80,000 को नॉर्मली 12:5 के रेशियो में सब में बांट दीजिए, तो यहाँ आर का तो आएगा 36,000, ठीक है बच्चों, और यहाँ आएगा इसका हमारा पी का आएगा, अगर हम जो है 1,80,000 को डिवाइड करते हैं 25 से तो आता है 7,200, 7,200 इंटू 12 करेंगे तो ये आएगा 72,000 प्लस आपका 14,400, तो ये हो जाएगा 86,400, ठीक है बच्चों। ऐसे ही 7,200 इंटू 8 करेंगे तो 7,856 और 2,816, तो 57,600 आ जाएगा, 57,600, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये प्रॉफिट बढ़ गया। तो सेकेंड ईयर तो एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ही हो गया, बिकॉज गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा ही प्रॉफिट आ रहा था हमारे पार्टनर का। तो अब बात करते हैं अबाउट द थर्ड ईयर, जिस साल फर्म को लॉस हुआ है। जिस साल फर्म को लॉस हुआ है तो पहले लॉस की एंट्री बनाएंगे, तो वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000 का। तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि इन केस ऑफ लॉस या इन केस ऑफ गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर, उस पार्टनर को इस लॉस से कोई मतलब नहीं है, उसको इसके हिस्से का प्रॉफिट तो दिया ही जाएगा। तो एंट्री बनेगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, तो 30,000 फर्म उसको प्रॉफिट देगी ही देगी, ठीक है बच्चों। और फर्म का लॉस अब बढ़कर हो गया 1,50,000, 120 पहले से ही था, 30,000 का लॉस और हो गया, तो फर्म का लॉस बढ़कर हो गया 1,50,000। और इस लॉस को जो है वो पी और क्यू में बांट दिया जाएगा उनके आपस के रेशियो में, जो कि है 3:2 या 12:8 कह लीजिए, एक ही बात है। 12:8 कैसे आया मैं बता देता हूँ, आर को हटा दीजिए, जो पी और क्यू का रेशियो बचा है वो 12:8 है, या फिर आप 3:2 भी कह सकते हैं आपसे, ठीक है बच्चों। तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिखिए 1,50,000, यहाँ आ जाएगा 90,000, यहाँ आ जाएगा 60,000, क्लियर बच्चों। और इस तरह से हमारा ये तीसरे साल की एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ बच्चों की किताब में सॉल्यूशन दिया गया है इसका, दिस इज क्वेश्चन नंबर 87 ऑफ द चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, टीएस ग्रेवाल एडिशन 2023। उसमें इन्होंने प्रॉफिट पहले या लॉस पहले सब में बांटा है, और जो भी डिफिशेंसी है आर की वो बाद में पी और क्यू से ली है, मगर मेरे अकॉर्डिंग ये काम तब करना चाहिए जब गारंटी बाय पार्टनर्स हो। जब गारंटी बाय फर्म है तो जो पार्टनर को गारंटी दी गई है उसको फर्म के लॉस से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, तो उसको तो उसका प्रॉफिट दे दिया जाएगा जितना देना है, जो ओवरऑल लॉस है बचेगा ऐसी गारंटी को फुलफिल करने के बाद वो बचे हुए पार्टनर्स में उनके आपस के रेशियो बांट देना चाहिए। दैट्स वाई मैंने सॉल्यूशन इस तरह से करे हैं, ठीक है बच्चों।